तो मत रहिए उदास, क्योंकि अब आ गया श्याम इंग्लिश पिटारा लेकर। तो नमस्ते मैंने भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में कहना चाहता हूँ आज के लिए इंग्लिश पिटारा, और मैं हूँ श्याम और आपका स्वागत स्वैग से करते हैं। देखा जाए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आज पास्ट का लास्ट है। देखा जाए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए अब इसे प्रेजेंट का पढ़े थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़े थे, वैसे आई आज पास्ट का भी लास्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसका सिंबल क्या होता है, इसमें टाइम लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? टाइम लगा रहेगा। और वर्ब में क्या लगा रहेगा? रहा था, रही थी, रहे थे। टाइम से आपको याद आ रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे मैं सुबह पढ़ा रहा हूं, मैं घंटों से दौड़ रहा हूं, लेकिन इस बार क्या बोलेगा? मैं सुबह से पढ़ा रहा था, मैं शाम से खेल रहा था, मैं घंटों से लिख रहा था, मैं होली से कमा रहा था। रहा था लगा रहेगा, टाइम इसमें भी रहेगा, लेकिन लास्ट में रहा है रही है नहीं लगा रहेगा, बल्कि रहा था रही थी रहे थे लगा रहेगा, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यही सब चीज था, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है, वहां पर था हैज और हैव था, और यहां पर हैड आ गया है। उसके बाद सबसे मिल रहा है, देखिए सबसे मिल रहा है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि फॉर सिंस कहां लगेगा, सब मैंने बता दिया है प्रेजेंट में, अगर जो नए होंगे वो वहां पर जाकर देख लेंगे, ठीक है। फिर भी एक बार देख लीजिए, फॉर आपका पीरियड ऑफ टाइम है और सिंस क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, टाइम है, वहां पर मैंने बढ़िया समझाया है, ठीक है, वहां जाकर देख लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। मैं सुबह से पढ़ रहा था, मैं सुबह से पढ़ रहा था, तो क्या बनेगा जी इसका? आई हैड बीन रीडिंग, और सुबह हो गया आपका इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग, ये डे का जो भी पार्ट है या आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, और इसके पहले सिंस लगता है। याद रहे, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, इसके पहले सिंस लगेगा। तो आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब आगे बढ़ेंगे, तुम घंटों से खेल रहे थे, तो यू हैड बीन अब प्लेइंग, अब फॉर लगेगा, घंटों से पता नहीं कि कब से खेल रहा है, ठीक है, यहां पर फॉर लगेगा क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, यहां पर आपको फॉर लगाना पड़ेगा। तो फॉर आवर्स, एग्जैक्टली इसका हर पीसिस का भी वही होता है, फॉर और सिंस, फॉर सिंस रहेगा तो आपको पास्ट का कोई भी ऑप्शन रहेगा, याद रहे वहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा क्योंकि फॉर सिंस आ गया है। तो देख अच्छा है, बढ़िया से क्वेश्चन है। वन, आई डैश क्रिकेट सिंस 5 o'clock, ऑप्शन है ए में वाज प्लेइंग, ऑप्शन बी में है हैड बीन प्लेइंग। बोलिए अब आपकी बारी है, बोला जाए क्या होगा आंसर? देखिए सिंस लगा हुआ है और हॉट टिप्स में सिंस है ना यहाँ पर, आज जब सिंस यहाँ पर जब है हॉट टिप्स में, इसका मतलब है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसका फॉर्मूला तब पर ये होता है, तो यहाँ पर हैड बीन वी फोर, तो हैड बीन वी फोर, तो ऑप्शन बी। चलिए कोई दिक्कत है क्या? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए और बताएंगे कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अब फ्यूचर का बनाना है हमको, फ्यूचर का 4 बज गया है, उसके बाद वॉयस नरेशन मॉडल पर बहुत सारा चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप वीडियो को शेयर करते रहिए। सबसे मेरा अपील है, सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, निवेदन है कि वीडियो जितना शेयर कीजिएगा उतना बढ़िया रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि एनर्जी बढ़ता है उससे ना, हमको लगे कि इतना मेरा व्यू हो गया है, इतना सब्सक्राइबर बढ़ गया है, तो हम और अच्छा से वीडियो बनाएंगे, गारंटी देते हैं, ठीक है।